हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हमारा जो प्रीवियस चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसका लेक्चर नंबर 1 आप देख चुके थे, उसी के सेकंड पार्ट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था? सॉलिड के बारे में पढ़ चुके थे, लिक्विड्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? गैस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आपने शायद वो चैप्टर जो पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा दिया था, वो रिवाइज कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो वापस रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गैस से। ठीक है, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व इट। ठीक है, मतलब गैस के बारे में हमको स्टडी करनी है, जैसा कि हम सॉलिड और लिक्विड्स के बारे में देख चुके थे, उनके बीच में, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस कितना होता है, किस तरीके की सारी कंडीशंस होती है। अब वही सेम कंडीशंस हम किसके साथ में स्टडी करेंगे? गैसेस के साथ में स्टडी करेंगे। ठीक है, यू कैन नॉट होल्ड द स्मोक इन योर हैंड, ऑल्सो द स्मोक डज नॉट रिमेन एट वन प्लेस, इट मूव्स अराउंड फ्रीली एंड फिल्स द एंटायर बोतल। यानी आपने देखा होगा, देखा तो क्या होगा आई डोंट नो, बट हाँ, ऐसा होता है कि जब भी आप किसी गैस स्टेट में, जो भी गैस स्टेट होती है, वो कभी भी आप किसी भी उसको कंटेनर में डालोगे तो वो फटाफट से उस पूरे कंटेनर का जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इफ़ द स्मोक इज ट्रांसफर्ड टू अ बिगर बॉटल, इट स्प्रेड इवन मोर टू फिल द बिगर बॉटल। अगर इसको आप बड़ी बॉटल के अंदर डालोगे तो वो फटाफट पूरी बड़ी बॉटल में जितना भी स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। इन फैक्ट द स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक स्प्रेड क्विकली टू ऑल पार्ट्स ऑफ रूम, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन। अच्छा, आपने घर में देखा होगा अगरबत्ती लगाते हैं, ठीक है, एक कमरे में आपने लगाई है लेकिन उसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में आपको फील करने को मिलती है। ठीक है, अब वो क्यों मिलती है? क्योंकि वो कौन सी स्टेट में? गैस स्टेट में। और गैस स्टेट के यही क्वालिटी है कि फटाफट उसको जहाँ भी आप रखोगे वो स्प्रेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस इतना ज़्यादा है कि उनको फ्रीली मूव करने का मौका मिलता है, और उस मूवमेंट की वजह से वो क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से मूव कर लेते हैं। आगे देखेंगे, स्मोक इज मेजरली मेड अप ऑफ गैसेस, स्मोक जो है वो किससे बना हुआ होता है? गैसेस से बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर लूजली पैक्ड, यानी गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। कहने का मतलब उनके बीच में स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि वो आराम से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने सॉलिड और लिक्विड वाले केस में आपको बॉक्सेस बना के दिखाया था कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, सॉलिड के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, लिक्विड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और गैस स्टेट के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। देयर आर लार्ज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम, सो द मॉलिक्यूल इन अ गैस कैन मूव अराउंड फ्रीली एंड स्प्रेड आउट टू फिल द अवेलेबल प्लेस। इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, फटाफट मूव कर सकते हैं और जो भी स्पेस मिलेगा उनको उसको फटाफट से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। This is how the smell of a room freshener spread quickly to all parts of a room. जैसे आपने रूम फ्रेशनर डाला, अब एक ही जगह डालते हैं हम स्प्रे करके, लेकिन पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आपको फील करने को मिलती है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता है, वो गैसेस स्टेट है जिसकी वजह से वो फटाफट स्प्रेड आउट हो जाती है। आगे देखेंगे, यू कैन स्मेल द स्टिंक फ्रॉम अ गार्बेज डंप इवन इफ यू आर पासिंग इट एट अ डिस्टेंस, दस वी कैन से दैट गैसेस हैव नो फिक्स शेप। गैसेस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, जिस भी कंटेनर में डालोगे, जहाँ भी डालोगे वो उसी का प्लेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हैव नो फिक्स वॉल्यूम, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, कोई फिक्स वॉल्यूम से मतलब, वॉल्यूम भी आपको मैं समझा चुकी हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है। कैन फ्लो मोर इजीली देन लिक्विड्स, ठीक है, और लिक्विड्स के कंपेरिजन में और ज़्यादा इजीली क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। इसके जस्ट नीचे आपके टेबल बना के तीनों में डिफरेंसेस बताए हुए हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो जितनी भी क्वालिटीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उन्हीं को कंपेयर करके उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर की स्टेट में क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में हम देखते हैं। अच्छा, आपको एक जनरल एग्जांपल देके बताती हूँ मैं कि जैसे आपने क्या किया, पानी जो था आपका वाटर, उसको फ्रीज़र के अंदर डाल दिया। अब फ्रीज़र के अंदर क्या था, टेम्परेचर कम था, तो उस टेम्परेचर कम होने की वजह से वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, यानी उसकी स्टेट जो है वो कौन सी स्टेट में चेंज हो गई, लिक्विड स्टेट में आपने डाला था, लेकिन वो अब किस स्टेट में मिलेगा आपको, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। मतलब वाटर जो है वो किस में टर्न हो चुका है, आइस में। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होगा, मतलब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, कि स्टेट्स की, जो मैटर की जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से
स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहती है, ठीक है। अब वो चेंज होगी किस वजह से, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो कुछ और चेंजेस होंगे, डिक्रीज कर रहे हो तो कुछ और चेंजेस होंगे। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। When water is put into the freezer, it changes into ice. यानी water को जब आप किस में डालते हो, freezer के अंदर डालते हो, तो किस में change हो जाते हैं, ice में change हो जाता है। Thus, on cooling, matter changes from liquid state to solid state. और हमने यहाँ पे क्या देखा कि water जो है वो liquid state में था, जैसे ही आपने इसको freezer में डाला तो वो कौन सी state में change हो गया, solid state में change हो गया। This process is called freezing. यानी हम ये कह सकते हैं कि liquid state से solid state में convert होना क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग कहलाएगा। और वो किस कंडीशन में आपने किया था, जब आपने उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दिया था। फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क इज ऑल्सो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग। देखा होगा आपने गर्मियों में क्या करते हैं हम, जो दूध जो भी प्रोसीजर होता है आपके घर में, आपकी मम्मा बनाती होगी आइसक्रीम, दूध को बॉइल करके उसमें और जो एसेंस वगैरह जो भी डालना होता है वो डाल के, और हम क्या कर देते हैं उसको फ्रीजर में रख देते हैं। और क्या एक्सपेक्टेशन होती है हमारी कि इसकी क्या बन जाएगी, आइसक्रीम बन जाएगी। तो हमने क्या किया, मिल्क जो है वो कौन सी स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। जब आपको आइसक्रीम मिली तो कौन सी स्टेट में मिली, सॉलिड स्टेट में मिली। तो समझ में आ गया फ्रीजिंग का एग्जाम्पल, आगे देखेंगे। अब इसके बाद में आपने क्या किया कि वो जो आइस, जिस एग्जाम्पल से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट किए थे कि आपने वाटर लिया था, वाटर को आपने फ्रीजर में डाला, आइस फॉर्म हो गया। अब उस आइस को आप बाहर निकाल रहे हो फ्रीजर से, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद आपने थोड़ी देर बाद में क्या देखा कि वो आइस जो है वो वापस किस फॉर्म में चेंज हो गई है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आइस की जो स्टेट थी वो चेंज हो चुकी है, आइस सॉलिड स्टेट में था और अब वापस किस स्टेट में आ चुकी है, लिक्विड स्टेट में आ चुकी है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। बोलते हैं ना जैसे चॉकलेट, गर्मियों में क्या बोलते हैं हम कि चॉकलेट फ्रिज के बाहर नहीं रखनी, मेल्ट हो जाएगी, आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, देखी होगी आपने सबने। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ये एक हिंट है, कोड वर्ड है, जिससे आपको याद भी रह जाएगा कि चॉकलेट मेल्ट होती है तो चॉकलेट सबसे पहले सॉलिड स्टेट में होती है, मेल्ट होने के बाद में वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती जाती है। तो समझ में आ गया और आपको याद भी रह जाएगा। आगे देखेंगे। When water is heated, it change into water vapor or steam. अच्छा ठीक है, आप क्या करते हो जब पानी को बॉईल करते हो, ठीक है, वाटर को जब आप बॉईल करते हो तो आप देखते हो कि उसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्या उस स्टीम को क्या बोलते हैं, देखो आगे, विच इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वो वाटर की कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, क्योंकि वो गैस की तरीके का अपीयरेंस दे रही है, इसलिए वो किस फॉर्म में हो गई है, यानी वाटर की कौन सी फॉर्म हो गई, गैसियस फॉर्म हो गई। दस ऑन हीटिंग मैटर चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड को आपने स्टार्ट किया बॉइल करना, क्या था लिक्विड में, हमने एग्जाम्पल क्या लिया, वाटर, उसको बॉइल करना स्टार्ट किया और वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। हो गई ना स्टेट चेंज मैटर की, कैसे हुई, लिक्विड आपने चढ़ाया था बॉइल करने के लिए और अब आपको क्या मिल रहा है, गैसियस स्टेट में मिल रहा है। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज टू इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वेपराइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं, यानी लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। When water vapor or steam is cooled, it changes into water. Thus, on cooling, matter changes from gaseous state to liquid state. This process is called condensation. ठीक है, water cycle आपने पढ़ा होगा सबने। तो water cycle में क्या बताया था, same procedure बताए थे कि पहले water क्या होता है, boil होता है, उसका evaporation होता है। हमने वो process बताई थी, हमने यहाँ पे क्या बता रहे, matter की state change कर रहे हैं। तो स्टेट चेंज करने में क्या हो रहा था, लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेपराइजेशन बोल रहे हैं। अब वही जो वेपर है, जो कि वाटर को जब आपने बॉईल किया था वेपर फॉर्म में चेंज हुई थी, वही वेपर को अब हम क्या कर रहे हैं, कूल करके उसको वापस लिक्विड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। तो वो स्टेट क्या, वो जो प्रोसीजर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि स्टेट मैटर की जो स्टेट में चेंजेस होंगे, यानी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेकर आ रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन कहलाएगी। आगे बात समझ में, अभी तक हम 4 प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी किए हमने, सबसे पहले हमने फ्रीजिंग पढ़ा, उसके बाद मेल्टिंग पढ़ा, फिर वेपराइजेशन पढ़ा, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, कंडेंसेशन। कुछ और प्रोसेस दे रखी है, देखेंगे, मतलब मैटर जो है वो किस तरीके से चेंज होगा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यू हैव सीन दैट सॉलिड चेंज इंटू लिक्विड एंड देन इंटू गैस, यानी सॉलिड पहले जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड फिर गैस में चेंज होता है, यही चल रहा था अभी तक। अब आगे देखेंगे। हाउ एवर देयर आर सम लिक्विड्स दैट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, यानी कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो गैस, मतलब कह सकते हैं हम कि वो सॉलिड जो है, सॉरी,
कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में चेंज ना होकर डायरेक्ट कौन सी स्टेट में चेंज हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो है वो सॉलिड फॉर्म था, ठीक है, सॉलिड के बाद में हमने क्या देखा कि वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड के बाद में वो किस में जाता है, गैस स्टेट में जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि जो जो भी चीज़ें थी वो सारी चेंज होती जा रही है, पहले सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, अब तक हमने यही पढ़ा था, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड कैसे बना था, मेल्टिंग के थ्रू। सपोज ये आइस है, आइस को आपने मेल्ट किया, लिक्विड बन गया, ठीक है। उसके बाद लिक्विड से सॉलिड कैसे बना था, फ्रीजिंग के थ्रू। वाटर को आपने फ्रीजर में डाला और वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में लिक्विड से गैस स्टेट हमने पढ़ ली कि लिक्विड से गैस स्टेट कैसे चेंज होती है। वाटर को जब आपने बॉईल किया तो उसमें से क्या निकली, वेपर निकली, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, वेपराइजेशन बोला। अब हमने गैस यानी उस वेपर को वापस लिक्विड में चेंज किया, उसको हमने क्या बोला, कंडेंसेशन बोला। यानी यहाँ तक की स्टेप्स आई थिंक क्लियर होगी सबको। अब इसके बाद में हम क्या बात कर रहे हैं, अभी तक हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, लिक्विड से गैसेस बन रही थी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि जिनमें लिक्विड स्टेट जो है वो स्किप हो जाती है। कहने का मतलब ये वाली जो प्रोसेस है वो मिलेगी नहीं उसमें, कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो ना, क्या होगा, सॉलिड डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन बोलेंगे। देखेंगे आगे, यू हैव सीन दैट सॉलिड चेंज इंटू लिक्विड एंड देन इंटू गैस। However, there are some solid that directly change from solid to gaseous state. This process is called sublimation. और उस process को क्या बोलेंगे, sublimation. यानी अगर आपको ये एक sequence याद है तो आपको सारी process याद रह जाएगी कि solid जो states है वो किस तरीके से change हो रही है किसी भी matter की, ठीक है। Camphor and naphthalene are two such solids that undergo the process of sublimation. यानी कैम्फर और नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो क्या है, इसका एक एग्जांपल है, जो कि सॉलिड से डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाती है, गैसेस स्टेज में चेंज हो जाती है। नेफ्थलीन बॉल्स आर पुट इन वुलन क्लोथ्स टू कीप देम सेफ फ्रॉम इंसेक्ट। नेफ्थलीन बॉल्स को क्या किया जाता है, वुलन क्लोथ्स में डाला जाता है, जिससे कि क्या हो सके, वो किससे सेफ रह सके, इंसेक्ट्स वगैरह जो लग जाते हैं वुलन्स के अंदर उनसे सेफ्टी देने के लिए उसको रखा जाता है। दीज नेफ्थलीन बॉल्स स्लोली बिकम स्मॉलर इन साइज ओवर टाइम बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन। अगर आपने अपने घर में इसका एग्जांपल देखा हो, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स अगर आपके घर में आपकी मम्मा जो है वुलन क्लोथ्स में रखती होंगी, तो आपने देखा होगा जब आपने उसको रखा था तो उसका एक अलग साइज था, और जब आप उसको थोड़े टाइम बाद में देखोगे तो उसका साइज जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है, यानी साइज छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में था और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस स्टेट में, और गैस तो दिखाई देगी नहीं क्योंकि वो तो फटाफट सारा प्लेस ऑक्यूपाई कर लेती है, इसलिए वो नेफ्थलीन बॉल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। द वॉर्म एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग चेंज द सॉलिड बॉल इंटू गैसेस स्टेट। अब वो कैसे चेंज होती है, क्योंकि जो भी मतलब वॉर्म क्लाइमेट जो है, मतलब वॉर्म जो एरिया है उसका, उसकी वजह से वो सॉलिड जो आपने बॉल डाली थी नेफ्थलीन बॉल, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई थिंक आपको सारी स्टेट्स कंप्लीट हो गई होगी कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स को किस तरीके से चेंज करता है, कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। अच्छा, सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। मैं एक जनरल एग्जांपल आपको देती हूँ कि सपोज आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, ठीक है, उस ग्लास के अंदर आपने क्या कर दिया, वाटर फिल किया। अब वाटर फिल करने के बाद में आपकी इच्छा हो कि नहीं हमें इसमें शुगर ऐड करना है, ठीक है, शुगर ऐड कर सकते हो, सॉल्ट ऐड कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो ऐड कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, इसमें शुगर ऐड कर दी, ठीक है। शुगर ऐड करने के बाद में अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तीन चीज़ें पढ़नी है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और दोनों से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो देखो, जो वाटर आपने ऐड किया था उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर जो है वो कहलाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर तो क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो शुगर आपने ऐड की थी वो क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई, ठीक है, आगे बात समझ में। और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। आगे समझ में ये चीज़ कि आपने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर वाटर डाला, तो वाटर क्या है, अब हम ये नहीं बोलेंगे हमने ग्लास के अंदर वाटर डाला, हम क्या बोलेंगे कि हमने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स किया और क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। ये एक प्रॉपर साइंस की लैंग्वेज है जिसमें आपको समझना जरूरी है कि सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ग्लास वाटर में क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड की, और उसके बाद में आपको क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया। अब आगे देखेंगे, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। द सब्सटेंस दैट इज यूज इन स्मॉलर क्वांटिटी एंड मिक्सड विद मोर ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि
जो कम क्वांटिटी में मिक्स किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, देखेंगे आगे। सो इन दिस केस शुगर इज द सॉल्यूट, ठीक है, हमारे केस में शुगर क्या थी, एक सॉल्यूट का काम कर रही थी। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन इज द सॉल्वेंट, ठीक है, यानी सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी में सॉल्यूट होगा और मोर क्वांटिटी में सॉल्वेंट होगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। हेंस वाटर इज द सॉल्वेंट इन दिस केस, सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, उनको डिजॉल्व या सॉरी सॉल्यूट सब्सटेंस बोलेंगे, सॉल्यूबल सॉरी। तो सॉल्यूबल सब्सटेंस का मतलब हो गया, सॉल्यूबल का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से घुल जाना, ठीक है, जैसे आपने इसके अंदर शुगर ऐड की तो आप इसको अगर स्पून से हिलाओगे, ठीक है, मिक्स करोगे तो वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसमें शुगर मिलाया था या सॉल्ट मिलाया था, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, एक सॉल्यूबल सब्सटेंस हो जाएंगे जो कि प्रॉपर पूरे तरीके से पानी के अंदर घुल जाएंगे। शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्यूबल सब्सटेंस, डू ऑल सॉलिड डिजॉल्व इन मैटर, What will happen when you try to dissolve sand or mud in water? अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, चलो हमने soluble substance देख लिया, हमने sugar का example ले लिया, salt का example ले लिया, क्या हुआ था, दोनों proper तरीके से mix हो गए थे, ठीक है, अब proper तरीके से mix होने वाले substance क्या कहलाएंगे, soluble substance कहलाएंगे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस sugar को skip करके हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पे sand डाल देते हैं, ठीक है, रेत डाल दी हमने इसमें। अब आप क्या देखोगे, आप उसको कितना भी स्पून से मिक्स करने की कोशिश करो, रेत कभी भी वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगी, हम क्या कह सकते हैं कि सैंड जो है वाटर के अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगी, क्या होगा, तो फिर आप देखोगे आप जब तक उसको स्पून से मिक्स कर रहे हो तब तक वो मिक्स होती रहेगी, लेकिन लास्ट में क्या होगा, वो नीचे बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, देखा होगा सबने ये चीज़, तो कॉमन चीज़ें हैं तो घर में भी आप कर सकते हो और आप देख सकते हो और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हो। दी सब्सटेंस डो नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सेंड का हमने एग्जाम्पल लिया, वाटर में प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व नहीं होगा। सब्सटेंसेज दैट डो नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कोल्ड इन सॉल्यूबल सब्सटेंसेज, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, इन सॉल्यूबल सब्सटेंस कहलाएंगे। यानी हमने दो तरीके के सब्सटेंस पढ़ लिए, सॉल्यूबल एंड इन सॉल्यूबल, सॉल्यूबल का मतलब समझ में आ गया जो कि प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा वाटर के अंदर, इन सॉल्यूबल जो कि वाटर के अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगा, कहने का मतलब हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपने पानी के अंदर रेत डाली और थोड़ी देर उसको छोड़ दिया तो आप देखोगे कि रेत जो है वो नीचे बॉटम में जाकर इकट्ठा हो जाएगी, और आप अगर धीरे धीरे उस पानी को निकालना चाहते हो उस ग्लास से तो वो निकल जाएगा, यानी पानी को रेत को हमने सेपरेट कर लिया। लेकिन सेम कंडीशन अगर हम शुगर वाले केस में करें तो जिसमें आपने क्या किया, वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर दिया, तो क्या आप शुगर को वहां से सेपरेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए उनको क्या बोला था, सॉल्युबल सब्सटेंस बोला था, और जिसको सेपरेट कर सकते हैं उनको क्या बोला जाएगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोला जाएगा। पेबल हस्क चॉक एंड सो डस्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, इन एग्जाम्पल्स के साथ आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू चेक इफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, अच्छा जितनी भी इस चैप्टर में एक्टिविटीज दी हुई है वो एक्टिविटीज आपको खुद को करनी है, क्योंकि इतनी कोई हार्ड एक्टिविटीज नहीं है, आप घर पे इजी गोइंग उनको कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मैटर में जो स्टेट्स जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है तो आपको सिर्फ एक सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है, इस सीक्वेंस के बेस पर आप देख सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड, तो समझ में आ जाएगा। और एक ही स्टेट हमने अलग पढ़ी थी जिसमें क्या हुआ था, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनी थी, ठीक है, और सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूशन का केस आपको समझ में आ ही जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट जो है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट जो है वो हमेशा मोर क्वांटिटी में होगा। तो ये हमारा चैप्टर था, हमने डिटेल से स्टडी किया, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हुई है उनको सबको घर पे एक बार करके देखना, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा साइंस कितनी ईजी और समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक है, थैंक यू।